Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, my little green gardener friends. Hum hain aapke little green gardeners, Fezi, Hassam, apne baba ke saath. Aaj hum ye seekhenge ke apne garden ke pots ko paint kaise karna hai, unko paint kab karna hai, kaun sa paint use hoga aur kaise karna hai. ताकि ये पॉट्स हमारे गार्डन में नीट और क्लीन नजर आएं और खूबसूरत लगें। अच्छा जी, जो पॉट्स हम मार्केट से लेकर आते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। कैदी सामने जाएं। अच्छा जी, मेनली दो चीज़ें होती हैं, या तो हम प्लास्टिक में पॉट्स लेकर आते हैं और या फिर मिट्टी के पॉट होते हैं। जो मिट्टी के फ्रेश पॉट्स लेकर आते हैं उनकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, वो ऑलरेडी नीट क्लीन और अपने ओरिजिनल कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और ये जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं ये मोस्टली 90% ब्लैक कलर के होते हैं, और ये भी इसके अंदर जो ओरिजिनल शेप है पौधे की, उसका फोलिएज, उसका कलर पत्तों का, उसके फूलों का, वो ज़्यादा वाजे नज़र आता है। तो इसको भी पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि आपने कोई थीम बनाना हो। और अगर आप ग्रोन पौधा लेकर आते हैं जो नर्सरी में कुछ अरसा पड़ा हो और तैयार हुआ हो, तो वो नॉर्मली चूँकि वहाँ पर पेंट नहीं करते तो वो इस तरह सा रस्टिक और उसके ऊपर काई शाई जमी होती है, थोड़ा सा गंदा होता है। मुझे पर्सनली इस तरह के रस्टिक और काई जमे हुए पौधे अच्छे गमले अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका पौधा होता है उसकी अपनी जो खूबसूरती है वो वाजे हो जाती है, पॉट पे नज़र नहीं जाती है। अगर आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि पॉट्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट नीला पीला लाल रंग किसी हद तक अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उससे जो फूल जो पौधा होता है उसकी अहमियत कम हो जाती है और वो बैकग्राउंड में चला जाता है। तो पॉट पे ज़्यादा नज़र जाती है और जो पौधे पे है वो कम नज़र जाती है। अगर पॉट नॉर्मल होगा, मिट्टी के कलर का होगा, सूदिंग कलर का होगा, या इवन रस्टिक और डर्टी और मैला कुचला होगा, तो पौधा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ठीक है जी, तो जो पहला साल होता है नॉर्मली हम अगर नए पॉट लाते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है पेंट करने की। तो जो दूसरा सीज़न होता है पहले ही साल में, तो उस सीज़न तक ये पौधे चूँकि पानी दे दे के थोड़े से गंदे हो जाते हैं जो गमले होते हैं, तो उनको हम अच्छा सा पेंट करते हैं। अच्छा जी, पेंट कौन सा करते हैं? ये मास्टर पेंट है, ये है बेसिकली, इसको कहते हैं वेदर शील्ड, जो आउटडोर इस्तेमाल होता है। ये है जी, इसका नाम पॉपी है 54, इसका कलर कोड है, मास्टर पेंट वालों का है, और ये इसको कहते हैं जी सुपर इमल्शन। इसके नीचे रखें, ये इसके अंदर ये देखें, ये इसका पेंट होता है और इसके अंदर ऑयल नहीं डलता, बल्कि इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं साम? पानी यूज़ करते हैं। तो आप एक खाली डब्बे में अपना पेंट थोड़ा सा डालें साम, डालो शाबाश। अच्छा जी, अब इसमें आप नॉर्मल टैप वाटर ऐड करेंगे, नीचे करके डालो और डालो थोड़ा सा, बस अब आप इसको मिक्स करेंगे। तो ये आपका इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया जनाब पेंट, सिंपल। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी पॉट्स पेंट करने के लिए वो होगा सैंड पेपर, जिसको क्राफ्ट पेपर भी बोलते हैं, जिसको रेगमाल भी बोलते हैं नॉर्मली। इससे आप क्या करते हैं,
हसाम करके दिखाएं, जो आपके पॉट के ऊपर कोई रस्ट कोई डस्ट जमी होती है तो उसको स्मूथ करने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप किसी कपड़े से उसको साफ़ करना मत भूलें, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें और उसके बाद आप पेंट उसके ऊपर लगाएं, हसाम लगाएं जी। ये वो पेंट है जो आउटडोर यूज़ होता है, जिसको वेदर शील्ड बोलते हैं। ये डिस्टेंपर नहीं है जो हम इंडोर करते हैं, ना ही वो पेंट है जिसको हम आयरन वगैरह पे करते हैं, वो उसके अंदर ऑयल यूज़ होता है, इसके अंदर पानी यूज़ होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चूंकि ये ख़ुद पानी वाला पेंट होता है, तो जो इसके जो पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं जो गमले के, जिसकी वजह से वो उसकी जो सॉइल है वो नरम रहती है और मॉइस्ट उसके अंदर रहता है, या यूँ समझ लें कि सांस लेते ही है ज़मीन के अंदर थोड़ी सी, तो वो भी उसकी बरकरार रहती है। तो उसको अदरवाइज़ अगर पेंट वाला करें तो उसके मसाम बंद हो जाते हैं और पानी अंदर रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे ख़राब होते हैं। जल्दी जल्दी करें साहब। शाबाश। और लगाओ। ज़्यादा लगाओ बेटा। ऊपर से करो। शाबाश लगाओ। शाबाश। अच्छा जी, आपने देखा, हमने इस तरह से पहला कोट करेंगे, आप उसको ड्राई होने दें, उसके बाद दूसरा कोट करें तो आपको तकरीबन ये वाला कलर मिलेगा। ये वो नॉर्मल सा कलर है जिसमें पौधा प्रोमिनेंट हो जाता है और गमला आपका नीट क्लीन हो जाता है। ना ये रेड है ना पिंक है, ये तस्वीर में हो सकता है आपको थोड़ा पिंक शेड दे रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर है। और ये देखें, हमने कुछ पॉट्स पेंट करके रखे हैं। मोस्टली हमारे जो पॉट हैं वो या तो ब्लैक हैं या ओरिजिनल वो रस्टिक कलर में हैं जिस तरह से पुराने आए हैं, और या फिर हमने उन रस्टिक और एंटीक गंदे गमलों के बीच में कुछ नीट क्लीन ऐड कर दिए हैं जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने गार्डन के अंदर खूबसूरत किस्म का टच देने के लिए, नीट और क्लीन टच देने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों। अच्छा जी, तो आज हमने सीखा कि अपने प्लांट्स को नीट एंड क्लीन कैसे रखते हैं और उनको पेंट कैसे करते हैं, और उनको उनका जो उनकी नीटनेस है वो इसमें नजर आती है, नजर आती है। और आपके गार्डन में ये पड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे फूलों की तरह शर्माते भी रहते हैं और खूबसूरत भी नजर आते रहते हैं। खुश रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। आसाम की तरह जरा सीरियस और कंफ्यूज भी होते रहें और मेरी तरह शर्माते भी रहें।